ओम नमः शिवाय। नमस्कार। बहुत सारे दर्शकों को हमेशा यह जानने की जिज्ञासा होती है कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो सरकारी नौकरी या उच्च पद को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब हम सरकारी नौकरी या किसी उच्च पद के लिए योगों को देख रहे होते हैं, उस समय हमें कुंडली में लग्न, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि कुंडली के अन्य सभी भाव अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बात जब उच्च पद या सरकारी नौकरी की होती है तो इन भावों का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना होता है। अगर बात करें सरकारी नौकरी में सहायक ग्रह, तो सरकारी नौकरी के लिए मुख्यतः जो सहायक ग्रह होते हैं विशेष रूप से, वह क्रमशः सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, इन ग्रहों का कुंडली में मजबूत होना इस ओर इशारा करता है कि जातक अपने जीवन काल में कोई बहुत ही अच्छा पद ज़रूर हासिल करेगा। आइए आपको एक ऐसी कुंडली दिखाते हैं जिस कुंडली में सरकारी नौकरी पाने के योग भी थे, उच्च पद पाने के योग भी थे और जातक इस समय उच्च पद पर ही कार्यरत है। ये जो कुंडली आप अपने सामने देख रहे हैं, ये कुंडली एक 55 वर्षीय व्यक्ति की है जो इस समय एक अच्छी सरकारी नौकरी पर, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अच्छी सरकारी नौकरी पर कार्यरत हैं, उच्च पद पर। बात करें कुंडली की, तो कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि लग्न में ही बैठे हैं। सूर्य के साथ गुरु की युति है। गुरु इस कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य गुरु से आगे बढ़ें तो द्वितीय भाव में बुध, जो कि अपनी स्वराशि में है और उच्च के हैं। तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में शनि और राहु की युति है, जो कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। षष्ठ भाव खाली है। सप्तम भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि, जो कि कुंभ राशि है, उसमें मंगल बैठे हुए हैं। अष्टम भाव खाली है। नवम भाव खाली है। दशम भाव में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं और एकादश भाव में बुध की राशि यानी मिथुन राशि में शुक्र विराजमान है। इस कुंडली को आप देखिए तो आपको ये समझ में आएगा, कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग हैं लेकिन कुंडली में बहुत सारे दुर्योग भी हैं। ऐसा इस कुंडली में क्या है कि जातक के जो दुर्योग हैं, चाहे वो चंद्रमा का केतु के साथ बैठने का दुर्योग हो, चाहे वो शनि का राहु के साथ बैठने का दुर्योग हो, हालांकि शनि इस कुंडली में कारक भी नहीं है, परंतु उनका राहु के साथ होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर बात करें तो मंगल भी शनि की राशि में, हालांकि मंगल के साथ शनि तात्कालिक मित्रता में। ऐसा कौन सा योग है इस कुंडली में जिसने जातक को उच्च पद तक पहुँचने में मदद किया? तो मैं आपसे कहूँगा, इस कुंडली का सर्वाधिक अच्छा योग है सूर्य, जो कि लग्न के स्वामी होते हैं, लग्न में ही बैठना, जो जातक के व्यक्तित्व को निखारेंगे, प्रकाशित करेंगे, उसे ओजस्वी बनाएंगे, साथ ही उसको आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत होती है वो सूर्य द्वारा ही उनको प्राप्त होगी। अगर कोई कसर रह भी गई हो तो सूर्य के साथ गुरु बैठे हुए हैं। सूर्य और गुरु की युति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छी युतियों में से एक माना गया है। चूँकि यहाँ गुरु पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं, इस वजह से, और पंचमेश गुरु और पंचम भाव के कारक भी गुरु हैं, सूर्य और गुरु की युति लग्न में ये एक इकलौता ऐसा योग है जिसने इस कुंडली की 80% क्षमता को बढ़ा दिया। या यूं कह लें कि इस कुंडली की क्षमता को 80% बढ़ा दिया, 80% उसे और अच्छा कर दिया। बुध का उच्च राशि में होना बहुत अच्छा है। ये अगर ऐसा योग किसी कुंडली में आप देखें तो उसे निसंदेह आप ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, व्यक्ति की वाणी ओजस्वी होगी, व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होगी। और ऐसा है, जिस व्यक्ति की कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं, इन व्यक्ति के अगर आप समक्ष बैठें, इनसे बातचीत करें, तो आपको पता चलेगा कि इनकी वाणी जो है वो कितनी प्रभावशाली है। गुरु लग्न से बैठकर पांचवें को देखेंगे, सातवें मंगल को देखेंगे और नवें भाग्य भाव को देखेंगे। गुरुदेव की दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव में गुरु वृद्धि करते हैं। हालांकि इस कुंडली में कुछ दुर्योग भी हैं। कर्म भाव में चंद्रमा के साथ केतु का बैठना मानसिक चिंताओं को दर्शाता है,
कार्यक्षेत्र में संघर्ष को दर्शाता है। शनि के साथ राहु का बैठना बहुत अच्छा नहीं, ये माता को कष्ट, हालांकि भूमि भवन और अन्य चीज़ों के लिए ये शनि यहाँ कारक होंगे, लेकिन राहु के साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। ये दीर्घकालिक होने वाले रोग का संकेत देते हैं। क्रमशः सूर्य और मंगल का आमने सामने होना पराक्रम। अब देखिए, इस कुंडली में सूर्य लग्न के स्वामी होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। गुरु उसके लग्न में बैठकर उसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, उसे अहंकार प्रवृत्ति से बचा रहे हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही गुरु सप्तम भाव और नवम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव के चलते गुरु निसंदेह इनके वैवाहिक जीवन में भी मदद करेंगे और भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाग्य के कारक सूर्य भी होते हैं और भाग्य के कारक गुरु भी होते हैं। तो इस प्रकार जब आप किसी कुंडली को देख रहे हों, उस कुंडली में अगर यदि आपसे कोई पूछे कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या मैं किसी उच्च पद पर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, तो ऐसे दुर्योग भी हों कुंडली में, उसके बावजूद आप कुंडली का वो महत्वपूर्ण, वो मजबूत पहलू खोजिए, ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास करिए जो पूरी कुंडली को, या यूँ कहिए कि पूरी कुंडली के दुर्योगों का शमन करते हुए व्यक्ति को किसी उच्च पद या प्रतिष्ठित पद तक, या उसको उसके लक्ष्य को पाने के लिए कुंडली के बाकी सभी दुर्योगों का शमन भी करे और उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी तरह के कुछ छोटे छोटे योगों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने परिवार में इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।